नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करछु बापी खबर आरंभ करबा सबुठ बड़ खबर महान जननायक युग पुरुष और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम यात्रा आरंभ होई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्य कार्यालय सेनार स्वतंत्र गाड़ी में अटल जी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार पर निया अपराह्न 4:00 राष्ट्रीय स्मृति स्थल में पंचभूत लीन होती भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल जी पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न कर अंतिम यात्रा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बहु मान्यगण व्यक्ति सामिल होती अटल जी अंतिम यात्रा रे हजार हजार लोक सामिल हो शेष विदाय जनई दिल्लीवासी एकाठी हो अटल जी अमर रहे नारा देखते यहा पूर्व गत काली कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बासभवन में शेष दर्शन रही अटल जी पार्थिव शरीर को एक विराट पटुआर में बीजेपी मुख्यालय को अणाइला पाखापाखि सकाळ 9:00 दिन गोटे पर्यंत बहु विशिष्ट व्यक्ति और साधारण लोक अटलजी को शेष दर्शन कर श्रद्धांजलि जनाइले 95 वर्ष बयस दिल्ली एम्स रे चिकित्सित अवस्था रे आखि बुझिछंती भारत रत्न तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गतकाली संध्या 5:05 रे भारत रे महान नेता परलोक घटिथिबा एम्स पक्षरु सूचना दिया जाइथिला राजधर्म पालन क्षेत्र रे अनन्य राष्ट्र नेता बहु विलक्षण प्रतिभार धनी भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को हराई आज भारत 125 कोटी लोक शकाभिभूत संकीर्ण राजनीति ऊर्धर उठी से समस्त को निजर करिपारिथिबारु आज देशर एही सुजोग्य पुत्र को हराई मर्माहत तबे कई घंटा पूर्वे अटल बिहारी वाजपेयी पार्थिव शरीर पंचभूत लीन हो प्रत्येक भारतीय अंतिम यात्रा वेदना सिक्त अंतर में विदाय तबे यही विधि विडम्बना मात्र भारतीय राजनीति को एक नूतन दिग्दर्शन देवा क्षेत्र में वाजपेयी अवदान भारत अस्तित्व को विश्व दरबार में प्रतिपादित करने क्षेत्र में निष्ठा सर्वोपरि समग्र विश्व में भारत को श्रेष्ठत्व प्रदान क्षेत्र में निरंतर उद्यम को कृतज्ञ राष्ट्र सबुदिन मन रखिबो तबे आगामी पीढ़ी जो मैंने वर्तमान शिशु अथवा भविष्य दायद भाव भारत गारम वृद्धि सहायक हे से अटल बिहारी वाजपेयी अवदान सहित संपर्कित करने सरकार अटल बिहारी मेमोरियल निर्माण करने निष्पत्ति जमापड़ महान जननायक तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 93 वर्ष बयस दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था परलोक होई ए खबर प्रकाश पाइबा पर सारा भारत वर्ष सत्य जमी स्तब्ध हो जाए खबर प्रकाश पर घटगाँ अंचल शोकर छाय खेली जाए घटगाँ बसस्टाण स्थित पाल मंडप एक शोभा अनुषित हो शोभा स्थानीय बुद्धिजीवी राजनेता व्यवसायी मैंने उपस्थित रही नीरव प्रार्थना करते एस घटगाँ में समस्त दोकान बजार बंद रही महान जननायक तथा आम देशर पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देहांत होम देश एक अपूरणीय क्षति घटी अटल बिहारी वाजपेयी केवल जड़े दक्ष प्रधानमंत्री नथिले जड़े दक्ष सुशासक थिले विभिन्न राजनैतिक चिंताधारा ऊर्धर रही से लोक मान कार्य करते आज परलोक आज घटगाँव में शोकर छाय खेली जाए व्यवसाय संघ तरफ़ विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन तरफ़ आत्मार सद्गति निमन्ते नीरव प्रार्थना करा शोक सभा से पटामुंडेर बीजेपी कर्मी ज्ञान बेहरा और राजनगर पूर्वतन विधायक अलेख जेना नेतृत्व में पटामुंडे डाकबंगला छक एकत्रित हो पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न श्रीयुक्त अटल बिहारी वाजपेयी देहांत पर दीप जाली अश्रुल श्रद्धांजलि जनाइले सेपटे केन्द्रापड़ा वकिल संघ देवदास महांती नेतृत्व में नीरव प्रार्थना करा वक्तव्य कही व्यक्ति मरीजाए कि व्यक्तित्व मरेना से जे महान व्यक्तित्वर अधिकारी तथा महान जननायक और पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मृत्यु में सारा भारत आज स्तब्ध और स्थाणु पलटि जा महान जननायकों अमर आत्मार सद्गति कामना करने सहित अश्रुल श्रद्धांजलि ज्ञापन कर भारतवर्षर पूर्व प्रधानमंत्री महान जननायक भारत रत्न विशिष्ट कवि लेखक भाष्यकार दूरदृष्टा आज जो निधन है 94 वर्ष बयस ये भारतीय जनमानस एक अपूरणीय स्थिति है जाति प्रति जो 60 वर्षर उत्सर्गीकृत सेवा ये जाति दीर्घ दिन धरी मन रख कहीं जो उत्सर्गीकृत कार्य में आज भारतवर्ष पृथ्वी सम्मानित हो भारत मातार योग्यतम संतान भारत रत्न महान जननायक
अटल बिहारी वाजपेयी पूर्वतन प्रधानमंत्री आज वियोग सारा देश विफलित ये क्षतिर पूरण ना। भारत राजनीतिर भीष्म पितामह तथा भारत राजनीतिर किंवदंती पुरुष अटलजी गतकाल परलोक होता बेले देशव्यापी शोकर छाय खेली जाइछि। देश प्रति तांको त्याग और बलिदान पई देशवासी मर्माहत होता बेले विभिन्न स्थान में अटलजी वियोग शोकसभा अनुषित होइछि। कोक्सरा ब्लॉक रे सर्वदलीय संगठन पक्षर शोकसभा पालित हो जाइछि। अटल बिहारी जो दक्षता प्रधानमंत्री थे सहित कौन सी प्रधानमंत्री तुल्य हो पारे ना जे कि कविता माध्यम रे सबू करुले सबू कहते सबू काम करुले निधन रे आज भारतवासी शोकाकूल भारत भारत तो नुहे समग्र पृथ्वी आज शोकाकूल बर्तमान से परिणेता अमर गहन चली जाती वियोग आम आज कोक्सरावासी कलाहां आम भक्तिगत श्रद्धाजलि आम दौ। भारत राजनीतिर चाणक्य तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वियोग में पल्ली ठारु दिल्ली पर्यंत समस्त हृदय मियम्राण हो पड़ता बेले पारादीपवासी गभीर मर्माहत करिछि। जननायकों पारादीप प्रति रही अनेक अवदान आज पारादीप तैल विशोधनागार भित्तिप्रस्तर तांकर उद्यम आरंभ होता देहांत अवसर में पारादीप प्रेस मीडिया पक्षर प्रेस क्लब परिसर में एक श्रद्धाजलि सभा अनुषित हो। वरिष्ठ सांबादिक चित्तरंजन साई के अध्यक्षतार अनुषित यह बैठक में बहु सांबादिक और बुद्धिजीवी जोगदे स्वर्गत वाजपेयी स्मृतिचारण कर सेपरी झुरे आज सारा देश झुरे देशवासी मन ताम ज्वलत उदाहरण ब्रह्मपुर सहर बालुका शिल्पी सत्य महाराणा मत में श्री अटलजी जड़े खाली राजनैतिक नथिले से थिले जड़े सुपरिचित दिग्दर्शक व्यक्ति से निज हाथ या गोटे सुंदर मूर्ति जहाँ को देखिले बारी हो पड़ी सत्यों स्नेह बरा प्रेम वाजपेयी प्रति से आज सका उठी यही मूर्ति या वाजपेयी लोकप्रियता को चिह्नट कर सत्य निजे ब्रह्मपुर सहर भितर तोली बाली रे अटल जी प्रतिमूर्ति जहाँ देखा दर्शकों भिड़ जमी से महामहिम पूर्वतन प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी आत्मार सद्गति निमंत सारा देशवासी तथा राज्यवासी श्रद्धाजलि मुखर नीरव प्रार्थना करुवा बेले गंजाम जिला ब्रह्मपुर सहर में बीजेपी पक्ष ब्रह्मपुर निकटे अटलजी आत्मार सद्गति निमंत नीरव प्रार्थना सह दीपदान कर श्रद्धाजलि अर्पण कर भिलियन प्रधान शिक्षक पिपिली नाहामंगपाटणा प्राथमिक विद्यालय में जातीयण भेदभाव ट्रम्प कार्ड खेली निज दोष दुर्बलता को प्रधान शिक्षक लुचाउथिबार अभियोग आनी ग्रामवासी दैनदिन विद्यालय को विलंबरे पहुंचा कारण केतक अभिभावक यहाँ विरोध कर सोशल मीडिया रे वीडियो को भाइराल करने प्रतिशोध परायण हो यह कांड घटाई यार मुख्य खलनायक साजिथिबार अभियोग करिसेंति किछि अभिभावक छुआ अछुआ भेदभाव में पिला विद्यालय आसवाक बारण करना कमिटर सभापति सेपटे एभली छुआ अछुआ भेदभाव को बीओ अस्वीकार करे प्रधान शिक्षकों विरुद्ध आसी अभोग तदंत कर दृढ़ कार्यानुषान देखा पिपिली रिपोर्ट नाहमंग पटना प्राथमिक विद्यालय को दलित संप्रदायर पाने पाठ पढ़ाक आसुना कुनि कुनि पिलामाने समाजर भलमंद बुझिबा पूर्वरु तांको मनरे भरी दिया जाउछि छुआ अछुआर भेदभाव पिलामानक भविष्यत अपेक्षा निज जिद्रे अटल रहिछन्ति दलित अभिभावक माने यहार पछपटर रहस्य हेउछि विद्यालयर प्रधान शिक्षक हिमांशु शेखर नायकंकु सुरक्षा प्रदान करिबा दैनदिन विद्यालयकु विलम्बरे पहुँचिबा कारणरु उक्त ग्रामर किछि युवक विद्यालय रे शिक्षक अनुपस्थित थिबार वीडियो शूटिंग करिबा परे परिचालना कमिटी अध्यक्ष और ग्रामवासी तिक्तता आरंभ होता एपरिक अभियोग बलंगा थाना पहुंची मात्र परवर्त अवस्था दलित कार्ड खेली पिला विद्यालय को आसवाक दिया जा ना जार पछपटर अदृश्य नायक साजिश खोद विद्यालय प्रधान शिक्षक सेपटे नायक साजिवा पक्षर रहस्य हो प्रधान शिक्षक खूब निकटने भुवनेश्वर से एक राजनैतिक दल में मिशापर ग्रामवासी से दल में मिसाइबा करुले उद्यम यह छड़ा एक निर्दिष्ट राजनैतिक दल रे थिबारु विद्यालय को विलंबरे पहुंचुथिले मध्य तांकर केही किछि करि पारिबे नाही बोली कहुथिबा बेले वीडियो शूटिंग परे एभली गोटी चालना करुथिबार अभियोग करिछन्ति ग्रामवासी विद्यालय रे कागज कलम हिसाब रे
32 जन पिला पाठ पढ़ुवा बेले 12 जन पिला होती दलित संप्रदायर मात्र गत किछि दिन हेब विद्यालय को एक दलित संप्रदायर पिला न आसुवा बेले सेपटे विद्यालय पिला वीडियो शूटिंग कर अश्लील भाषा में गाड़गुलज कर माड़ मरा जाइथिबारु पिलाने विद्यालय को आसुनथिबा विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति कहता बेले राजनैतिक आक्रोशर शिकार होता कहते विद्यालय प्रधान शिक्षक एपरी एक निर्दिष्ट राजनैतिक दल ने से मिशिबारे कौन असुविधा नहीं मत दे स्कूल आमर गोटे गंडगोल होता साई साई भितर से गंडगोलटा थाना को जाता थाना से समस्ते आसिक कहले आम समाधान करदेव बोली समाधान करने निम्ते आसिले दि चार दिन भितर चेष्टा कले करापा एवं मीडियावाला आसते कटक न्यूज तक आगे कहले आम समाधान करदेबू एवं उभय पक्ष दस्खत कर गोटे फैसला पत्र लिखिकी जाती देखता आज भितर जो मैंने सब समाधान करने को जाते भितर कौन है से मैं पचारे से कहे कौ दल मिसार ना केतबी से गोटे चाकरी कर नी कौन हो छुट्टी जाइए से समय मिसी से गोटे अलग कथा कि कौन सी दलर अभिमुख ये करूना जो गत 4 तारिख में किसी पिला ये फटो उठे सार मैंने आसवा पूर्व किसी फटो उठे पिला किसी धमक देते तापर एटी बहुत पाटितुंड होता जातियाण भित्तिक ये जगार मानने आम जो हरिजन जाति आक्षेप कर विभिन्न प्रकार गाड़गुलज आज्ञा आम सहीलु तापर पुलिस स्टेशन ए बाबद गोटे लिखित अभियोग भी करूँ पुलिस आमको दुई दिन बसईले तार किसी फाइनाल आमको नदे आउ 41 से मैंने दुई दल को छाड़ते जेहेतु आम आवर्त स्टेज में किसी पाटितुंड करूँ बोली से ही बाबद आमको छाड़ते नहीं सेमती किसी जातियाण भेदभाव संपर्क मो अफिस कौन एपर्त दरखास्त अभिभावक हूँ बा जो मैंने पिलांकर अभिभावक परिचालना कमिटी विद्यालय प्रधान शिक्षक एपर्त किसी देना आज पर्यटन मोर हस्तगत है पिला है ना 9 जन 10 जन पिला होती आउट ऑफ 32 तंकर गोटे झमला जो टीचर लेट आसवा जो से कौन फटो उठे बलंगा थाना रे तंकर केस अच्छी तार से जो संभवतः कौन समाधान पर आसी पारती ये कथा किसी मानते सत्यता ना ये आम गाँव में समस्त भाई भाई चलती जातीयण भेदभाव किसी ना कि सारे या राजनीति करदिष्ट दल में मिसिकी आम को प्रश्न कले तुम दि तुम से दल में मिस आम न मिसार से सब गल कर सर आज्ञा कौन कहे स्कूल जिते डेरी आसुँचे स्कूल टीचर आम डीएम के विषय कम्प्लेन करूँ डीओ बीओ को पठे इन्स्पेक्शन डीओ बीओ यार सत्यता अनुभव करी तागिद कर आगत दिन में किसी एमती मैंने डेरी सार आसे उभय चेयरमैन और बीओ मत कही यार फोटोकॉपी करके मत चेयरमैन आज सीआरसी जन यार आम ग्राम लोक मैंने यार फोटोकॉपी करते फोटोकॉपी कर घर आस शनिवार दिन 4 मैंने 4 तारिख दिन है चेयरमैन आसी डाकिले पिला जो मैंने फोटोकॉपी करते जाए पचारे हाँ हाँ फोटोकॉपी करूँ सार डेरी आसती बेल निजे चेयरमैन सार विथ सार चेयरमैन आनी था जो गुंडा से मैंने पिला गंडगोल कले कह तुम टेक नहीं जीव तुम स्त्री लोग टेक नहीं जीव ये घटना तेज कोमलमती पिला भविष्य को जलांजलि नाहामंगा पटना में गत 4 तारिख ठारु एभली परिस्थिति उपजी यार समाधान पर प्रशासनिक स्तर में से भाई कौन आखिदृशिया कार्यक्रम करना तेपटे पिला भविष्य को नहीं खेल खेलुवा व्यक्ति विशेष विरोध में प्रशासन कि पदक्षेप केवल ता देखा बाकी रहा पुरी जिला पिपिलीरु बसंत खंडायत राय रिपोर्ट रिलायंस ओडिशा बलांगीर जिलार पुईतला ब्लक अंतर्गत गाईटोला पंचायतर भगवती मल्लिक मुंडरे बढ़ुवा मांस पिंडुलाई अनेक जंत्रणार शिकार हो पहुंची बलांगीर मुख्य चिकित्सालय को सेठू डाक्तर परामर्श से जाते कटक बड़ चिकित्सालय को मानसिक निर्यातना सह मोटा अंकर टंका मगा जाता ना चिकित्सा हो पारना रोकठ कहला भगवती और स्वामी टुना मल्लिक मर्माहत हो फेरी आसी घर को कारण टुना मल्लिक जड़े गरीब श्रेणीर लोक होते टाँ पक्ष जोगाड़ करने संभव हो नाला घर को फेरवा पर पुणि थे बलांगीर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेटी निजर दुख जनाइले पुणि थे निराश होगा पड़ता
କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ତେବେ ତଳସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ବାବୁଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଇଠାନ ଫ୍ରି ହେବା ବୋଲି ଦେଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ 10,000 15,000 20,000 30,000 ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପଡ଼ିଲା। ଏତକୁନ ଆମେ ଘରକେ ଯାଇଛୁ ଭାଇନୁ, ଯେନ ଭର୍ତ୍ତି ହବ ବୋଲେ ଯେ ଆମେ କେନା ଭର୍ତ୍ତି ହେମୁ, ଆମେ ଘରକେ ପଲଉଛୁ ଭାଇନୁ, ଯେନ୍ତା ଏତକୁନ ସେଟା ପଲେଇ ଆସୁ। ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ପଠାହେଇଥିଲା ଓଏସ୍ଟିଏଫ୍ରେ, ଆମେ କଟକ ପଠାଇଥିଲୁ। କଟକରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଥାଇରଏଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିଦେଲେ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଓଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସେମାନେ ହେଇପାରିବନି କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ ସେମାନେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଠାଇବୁ ତାକୁ କଟକ। ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚିତ୍ର ସେନଙ୍କ ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ନିକଟ ସାରାବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦରଠାରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦଭାଟିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବିରେ ଲାଞ୍ଜିମାର, ବେଇଁସମୁଣ୍ଡି, ମାଲିଭଟା, ରଟାପାଲି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମଦଭାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆପଡ଼ା ଥାନାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁଶାନ୍ତ ରଣା, ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପଣ୍ଡା, ନୂଆପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ମହନ୍ତ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରେସାଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାଟି ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ବସୁଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ମହନ୍ତ ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାରାବଙ୍ଗସ୍ଥିତ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ନକଲ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଭରତଲାଲ ରାଉତ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଗତ 2002 ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ମଝିରେ ଆମର ଟିକେ ରାଜନୀତି ପଲିଟିକାଲ ପଶିଗଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ସଫଲ କରିପାରିଲୁନୁ। ତାପରେ ଆମେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲୁ କି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଦ ଭାଟି ଅଛି ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟି ଭାଟି ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଆମ ଯିବା ଆସିବା ସ୍କୁଲର ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁର ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ଲାଗି ଘରର ଚାଉଳ ବିକିକରି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ 25 ବର୍ଷର ପିଲା ଆମର 15-20-30 ପିଲା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। 15 ତାରିଖ କେ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ଗିଆ ଥା ମେରେ କୋ ତ ଉସମେ ବିଚ୍ ମେ ପହଲେ ଏସା ବାତ୍ ହୁଆ ଥା କି କହିଁ ବାହାର ମେ ସିଫ୍ଟ ହୋ ଯାଇଗି, ତ ବାହାର ମେ ସିଫ୍ଟ ହୋନେ କେ ହମ କୋଶିଶ କିଏ, ତ ବିଚ୍ ମେ ହାକା ପାର ଦିଆ ଗିଆ ୟହାଁ କି ସାରା ବନ ମେ କୋଇ ଜଗା ନେଇ ଦେଗା, ତ ଇସ କାରଣ ଥୋଡ଼ା ଲେଟ୍ ହୁଆ ମେରେ କୋ। ଆଜ ହମନ ହାଁ ଆଜ 4 ବେର ହୋଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରତ, 4 ବେର ମେ ଆବେଦାରୀ ହମନ ଉଠା କେ ରବ, ହମର ଗାଁ ହୋନା ନହିଁ। ଯବାନ ଯବାନ ବହୁ ଆଏ ହେଁ ତେମାନ ବିଧବା ହୋ ଯାତ ହେଁ ଦାରୁକ ନାଁ ଲେକେ, ଆଉ ଲୋକ ଲୈକା ପଢ଼େ ଆତ ହେଁ ତ ପଢ଼ାଇଆ ମାନ ଛେଁକ କେ ଦାରୁ ପିଏ ବାର ଆତ ହେଁ, ଆନ ଆନ ଗାଁ ହମର ଏ ଏରିଆ କେ ହମର ସାରା ବଙ୍ଗ ମେ ଆତ ହେଁ ଆଉ ପିଆତ ହେଁ, ତ ଏ ଭଟ୍ଟି ହମର ଗାଁ ମେ ହୋନା ନହିଁ। ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମେଡିକାଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଆଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମ ସୌଦାମିନ ପ୍ରଧାନ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସୌଦାମିନୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇ ମେଡିକାଲରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ପେନ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 5:15 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୌଦାମିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖି ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନିହାଲ ପ୍ରଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଆଝର ଗ୍ରାମର ମକୁର ହେମ୍ରଙ୍କ 2 ଝିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେମ୍ରମ ଏବଂ ରଜନୀ ହେମ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସରକାରୀ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଏନେଇ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଲେ ରୋଗୀ। ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଜିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପାଙ୍ଗିକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁଇଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ବସ୍ତା ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଶିଶୁମାନେ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷଣ ପାଙ୍ଗି ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ଦେହ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଥିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ଓ ବ୍ରିଜ୍ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।